हेलो एवरीवन, वेट लॉस जर्नी में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है वाटर रिटेंशन। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वाटर रिटेंशन होता क्या है और इसके रीजंस क्या हैं और हम इससे कैसे इजाद पा सकते हैं। तो वाटर रिटेंशन, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि पानी का बदन में रुकना, वो वाटर रिटेंशन कहते हैं। तो क्या हमारे बॉडी में पानी नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बट एक लिमिट होती है उसका। अगर वो लिमिट से ज़्यादा बॉडी आपके पानी को रोक रहा है, उसी को कहते हैं वाटर रिटेंशन। और जब वाटर रिटेंशन होता है तो क्या होता है? आपके पाँव में सूजन आने लगती है, अननेसेसरली सूजन आपके चेहरे में दिखाई देती है। इनफैक्ट आपकी उंगलियाँ भी काफ़ी सूजी हुई रहती है, चाहे वो पाँव की हो या हाथ की हो। अगर आप देखोगे कि मैंने अपना रिंग फिंगर मिडल फिंगर में रिंग पहना हुआ है अभी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वाटर रिटेंशन नहीं है, तो मेरा रिंग फिंगर आराम से आ गया। अगर आपको वाटर रिटेंशन होती है तो आपके रिंग्स बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। जब आप सुबह उठोगे तो आपको दिखाई देगा कि काफ़ी टाइट फील हो रहा है रिंग। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में आज वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो मुझे वाटर रिटेंशन नहीं होता है और मैं बताऊंगी एंड ऑफ द वीडियो में कि मुझे वाटर रिटेंशन क्यों नहीं होता है, और आप चाहे तो वो ट्रिक आप भी अपना सकते हैं। अब देखते हैं कि रीजंस क्या है वाटर रिटेंशन के। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं वाटर रिटेंशन के। जैसे कि एक बहुत बड़ा रीज़न तो मेडिकल रीज़न होता है। अगर आप कोई मेडिकल कंडीशन में हो तो मैं आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। लेकिन जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो आप मेडिकल कंडीशन में रहते हुए भी फॉलो कर सकते हो, बट इट्स योर डिस्क्रिशन कि आप उसको फॉलो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब सुनते हैं दूसरा रीज़न क्या होता है वाटर रिटेंशन का। जो सबसे मेन रीज़न होता है हम में से किसी के भी बॉडी में वाटर रिटेंशन का, वो होता है एक्सेस ऑफ सॉल्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा नमकीन खाना खाते हो थ्रू आउट द डे एंड स्पेशली आफ्टर इवनिंग, आफ्टर सनसेट, तो क्या होता है, आपकी बॉडी एक्सेसिव वाटर को बॉडी में रोक के रखती है, उसी को कहते हैं वाटर रिटेंशन। नेक्स्ट और क्या रीज़न हो सकते हैं? जब आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हो या बैठे रहते हो एक ही जगह, उससे भी वाटर रिटेंशन होता है। अब चलिए हम सुनते हैं कि वाटर रिटेंशन से हम कैसे इजाद पा सकते हैं, कैसे हम इस वाटर रिटेंशन को, हम कैसे अपनी बॉडी को समझाएं कि इतना पानी मत रोको, एक्सेस वाटर मत रोको। तो वो ऐसे हो सकता है कि सबसे पहली चीज़ तो आप अपने सॉल्ट का इनटेक ज़रा चेक करिए कि आप कितना ज़्यादा सॉल्टी खाना खाते हो। लाइक थोड़ा सा सॉल्ट का इनटेक कम करिए। वेट लॉस में तीन चीज़ों को कम करना बहुत ज़रूरी होता है, एक शुगर, दूसरा सॉल्ट और तीसरा ऑयल, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मोस्टली लोग सिर्फ शुगर 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 ही करते रहते हैं, लेकिन सॉल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने सॉल्ट खाना बिल्कुल छोड़ दिया। सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सॉल्ट बिल्कुल खाना नहीं छोड़ना है, उसको कम करना है। और अगर आप हमारे ट्रेडिशंस देखोगे तो इसीलिए हमारे ट्रेडिशंस में कई बार ऐसा होता है कि फास्टिंग होती है। वो फास्टिंग करने से क्या होता है, वाटर वेट, जो वाटर रिटेंशन है, वो चला जाता है, बिकॉज आप सॉल्ट नहीं खाते हो फास्ट में मोस्टली। तो वो एक चीज़ है। और क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि हम वाटर ज़्यादा इनटेक करें। अब आप बोलोगे कि पहले ही बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है और पानी हम और ज़्यादा पिए। हाँ जी, आपको पानी और भी ज़्यादा पीना होता है। जब आप ज़्यादा पानी पीते हो तो जो एक्सेसिव सॉल्ट है वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट होने में आसानी होती है। जितना कम आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपका वाटर रिटेंशन होगा बॉडी में। तो पानी आपको हमेशा ज़्यादा पीना है एंड थ्रू आउट द ईयर पीना है। ऐसा नहीं है कि समर में पीना है और विंटर्स में नहीं पीना है या रेनी सीजन में नहीं पीना है। ऑल दो रेनी सीजन और विंटर्स में आपको प्यास कम लगती है, लेकिन बॉडी को पानी उतना ही चाहिए होता है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि पानी आपको थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा पीना है। एंड नॉर्मली पीपल से 8 glasses of water, नो इट इज़ नॉट 8 glasses of water। क्यों? हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, आपको ज़्यादा पानी पीना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 liter पानी पीना शुरू कर दो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि उसके फिर एडवर्स इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ क्या कर सकते हैं वाटर रिटेंशन के लिए, हम लोग वाटर को बॉडी में ना रिटेन हो, इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी गुड वे, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सिर्फ आपको पसीना नहीं आता है, पसीने के साथ आपकी बॉडी से सॉल्ट भी बाहर निकलता है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि टेक शावर डेली, क्योंकि जो टॉक्सिन निकलते हैं आपकी बॉडी से वो शावर से हट जाते हैं, धुल जाते हैं। तो दैट इज़ वन गुड वे। नेक्स्ट चीज़ इज़ कि ये हम में से बहुत लोग करते होंगे आई एम श्योर, पैकेज्ड फूड हम बहुत खाते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं, पैकेज्ड फूड मैं तो खाना बाहर से ऑर्डर नहीं करती हूँ, या मैं तो रेडी टू कुक वाला फूड यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हम चिप्स तो खाते हैं, हम मैगी तो खाते हैं, और इन सब में एक्सेसिव सॉल्ट होता है, एक्सेसिव सॉल्ट।
तो जो भी पैकेज्ड फूड आता है उसमें शुगर और सॉल्ट जो भी चीज होती है दोनों का कंटेंट वेरी हाई होता है एंड इट इज वेरी वेरी अनहेल्दी. पैकेज्ड फूड इटसेल्फ इज वेरी वेरी अनहेल्दी बट सॉल्ट और शुगर उसमें इतना ज्यादा होता है कि आई थिंक इट इज बेटर टू कम्प्लीटली अवॉइड इट इंस्टेड ऑफ ईटिंग इट लिटिल जस्ट अवॉइड इफ यू कैन अवॉइड इट. अगर आपको वेट लॉस करना है तो कुछ सैक्रीफाइसेस करने होंगे एंड दिस सैक्रीफाइस इज फॉर गुड नॉट बैड. मतलब आप ये सैक्रीफाइस करोगे ना तो आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी. तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो एक हफ्ते 10 दिन में ही आपको बहुत ज़्यादा वेट में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस अपना नज़र आने लगेगा क्योंकि वाटर वेट फटाफट चला जाता है. अब आते हैं मेरी ट्रिक पे कि मुझे वाटर रिटेंशन क्यों नहीं होता है. मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि मुझे कितने साल पहले कभी वाटर रिटेंशन हुआ होगा. उसका रीज़न ये है आई ईट माई लास्ट मील ऑफ द डे लाइक माई लास्ट सॉल्ट इनटेक ऑफ द डे इज एट 5:30 इन द इवनिंग. तो मैं अपना डिनर 5:30 इन द इवनिंग कर लेती हूँ एंड एम आई हंग्री आफ्टर दैट. डू आई फास्ट आफ्टर दैट. इज इट इंटरमीडियंट फास्टिंग. नो इट इज नथिंग लाइक दैट. मैं सॉल्ट नहीं खाती हूँ 5:30 के बाद. इफ एट ऑल आई एम हंग्री आई विल ईट समथिंग विच इज नो सॉल्ट लाइक मखाना खा लिया. ओके नॉर्मली आई टेक मिल्क एट नाइट तो वॉर्म मिल्क. सो देर इज़ नो सॉल्ट. सो इसी वजह से क्या होता है मेरे को वाटर रिटेंशन नहीं होता. प्लस थ्रू आउट द डे भी जो मैं खाना खाती हूँ उसमें कोई बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं होता है. आई डोंट ईट चिप्स मैगी एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वैसे ही सॉल्ट का इनटेक मेरा बिल्कुल उतना है जितना मेरी बॉडी को चाहिए. नॉट एक्सेसिव. इसीलिए कोई एक्सेसिव वाटर रिटेंशन भी नहीं है. सो आई होप आई हैव कंक्लूडेड एंड इंक्लूडेड ऑल द डिटेल्स ऑफ वाटर रिटेंशन. आपको समझने में आसानी हुई होगी. Please try these tricks and if you can eat your dinner early, that will be very good. And try all these tricks and let me know how it worked for you. See you in another video with a new topic on weight loss. Thank you so much for watching. I love you all.